मिल सकते हैं हमारे भोलेनाथ जी से भी और भोलेनाथ के ये मेरी टोली से भी ये मामू है दोस्तों गाइस मैं अभी जा रहा हूँ ज्वाला जी टेम्पल, वहाँ पे मैं जोत लेके आऊंगा। अभी मेरे घर में जागरण है, कल मेरे घर में जागरण है दोस्तों। तो ये मेरे मॉम है और ये मेरे पिताजी। तो गाइस अभी तो मैं जा रहा हूँ, अभी मतलब जस्ट घर से निकल ही रहा हूँ अभी। गाइस अभी मैं ब्रेकफास्ट भी कर लेता हूँ ना जाने से पहले। तो अभी देखो सरसों का साग, मक्की की रोटी और साथ में मापू कोको। कोको कहाँ है? कोको कर दे बाबू। गाइस मैं इस गाड़ी को ले जा रहा हूँ साथ में और ये महिंद्रा बलेरो है। तो गाइस आगे मैं मेरे अभी भाई बंधु मेरे दोस्त अभी मेरा वेट भी कर रहे हैं। चलो तो गाइस मैं अब निकलता हूँ ज्वाला जी टेम्पल की तरफ। जिंदगी जिंदाबाद, हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी। गाइस इनसे मिलिए विनोद खन्ना जी। तो भाई अभी अपना एक फ्रेंड आ गया, भाई अभी दूसरा फ्रेंड भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है गाइस। तो मतलब अभी काफी दोस्त हम जा रहे हैं ज्वाला जी टेम्पल। चलो गाइस अब निकलते हैं, मतलब आगे दूसरा दोस्त अभी पिक करना पड़ेगा मुझे। जिंदगी जिंदाबाद। जय माता दी। जय माता दी। देखो गाइस दूसरा भाई भी अपना आ गया है, इनका नाम है जितेंद्र शर्मा। तो जय माता दी बोल दो जन्नू भाई। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं अब मतलब सोलन की ओर। अभी मतलब सोलन पहुंचना है जस्ट, अभी थोड़ा सा गाड़ी का काम भी करवाना है मैंने। चलो गाइस मतलब जस्ट निकलता ही हूँ और बस निकलता ही हूँ बस। अब जिंदगी जिंदाबाद। हेलो गाइस आप मिली है बंटू भाई से। तो मैंने अभी भी गाड़ी का मतलब काम करवा लिया है हल्का सा, इसमें थोड़ी ब्रेकों की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा स्टेयरिंग में थोड़ा दिक्कत था। चलो गाइस अभी तो हम थोड़ा राइट पे इसको चेक कर रहे हैं गाड़ी को कि कैसी चल रही है। बस गाइस अभी पेट्रोल भी भरवा लेते हैं गाड़ी में, उससे बाहर निकलते हैं। टूर अपना अभी बहुत लंबा है भाई, ब्लॉगर में टेंशन ना लो। गाइस मैं अभी पहुंचा हूं कमरपुल और ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे कुल देवते का मंदिर है बिजेश्वर महाराज का। तो गाइस अभी मैं ज्वाला जी जाते जाते पहले मतलब थोड़ा मत्था टेक लूँ मंदिर में अभी, फिर उसके बाद ज्वाला जी की तरफ निकलते हैं। भाइयों अभी मतलब यहाँ पे भंडारा भी था, तो हमने सारे भाइयों ने यहाँ पे भंडारा भी कर लिया है, मतलब लंच अपना इधर ही हो गया था मंदिर में ही दोस्तों। फिर अभी तो निकल रहा हूँ मैं, बाकी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा लूँ मैं। एक सेकंड गाइस। हेलो जीजू। हेलो 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 जीजू। हेलो भैया। तो गाइस ये हमारे साथ है मेरे जिया जी, आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा, पेंगोंग वाले ब्लॉग में, लेह लद्दाख वाले में। जिंदगी जिंदाबाद, हर हर महादेव। अभी दोस्तों अपना फर्स्ट ब्रेक और चाय पी रहे थे अभी हम, चाय जस्ट अभी ख़त्म हो गई है। और गाइज अभी बाकी अपना सफ़र है अभी ज्वाला जी का, कम से कम मैं बोलूँ कि 100-110 किलोमीटर बाकी अभी रह गया है, जो मतलब अभी तय का नाम ने सफ़र अपना। तो गाइज बाकी अपने भाई बंधु सब एकदम मस्त। तो गाइज जय माता दी। जय माता दी। हर हर महादेव। जय हर महादेव। इसमें
गाइस आगे आप देख सकते हैं ट्रक चला है तो अपनी बोलेरो महिंद्रा, तो मैं सोच रहा हूँ इससे पास लेने की दोस्तों, पर मैं पास कैसे लूँ क्योंकि आगे बहुत खतरनाक है गाइस, मोड़ मोड़ है तो मुझे दिक्कत भी हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि आगे से एकदम ट्रक आ रहे हैं ना, और अभी ट्राले आ रहे गाइस, छोटे मोटे ट्रक भी नहीं आ रहे, देखो डालना घाट के ट्राले हैं ये बरमाना डालना घाट, और गाइस अपनी गाड़ी भी थोड़ी बुड्ढी गाड़ी है, यहाँ से मैं ले सकता हूँ पास अभी दोस्तों, ले सकता हूँ करने में दुनिया के 10 खतरनाक रोडों में से एक रोड, इसमें मोड़ ही मोड़, आप देख सकते हैं उस्ताद जी की नजर आगे ही टिकी है, ये देखिए। थोड़ा हमने शीशे वगैरह को भी थोड़ा साफ कर लिया क्योंकि अब रात हो चुकी है दोस्तों, और मतलब अब दिखाई नहीं देगा, तो इस तरह से हमने थोड़ा शीशा बिल्कुल साफ कर दिया कि अच्छे से तरीके से हमें दिखाई भी दिया आगे को रात को, क्योंकि लाइटें एकदम पड़ती है नहीं तो आंखों पे दिखाई नहीं देता कि कुछ नहीं। चलो दोस्तों बाकी अभी ज्वाला जी का सफर काफी है अभी हमारा, चलो मिलते हैं बाकी अब ज्वाला जी में ही, जिंदगी जिंदाबाद, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। बोलिए इसको ना मैं पास ले जाता इसके, ये देखिए ताकी खोल के चलते हुए पंजाब के लोग जिन्हें मौत से कोई डर नहीं है, यहाँ से हमारे उस्ताद जी लाइटें मारते हुए कि ताकी खुली है फिर भी कुछ। और ये उस्ताद जी को तेजी आती हुई थोड़ी, और आगे से HRTC की बस भी आते हुए, और ये कट जबरदस्त कट देख सकते हैं आप सभी लोग, रोड पे ऐसा ऐसा देखा तो अच्छी लगे, हादसा हो सकता है कभी, हादसा हो सकता है कभी। गाइज अभी हम ज्वाला जी पहुंच गए हैं, और देखो यहाँ पे मैंने गड्डी पार्क कर ली और यहाँ पे हमने रूम भी ले लिया दोस्तों। गाइज देखो हम अभी तो हम रूम में एकदम मस्त तरीके से, चलो थोड़ा जर्नी का थोड़ा एक्सपीरियंस है एंड शेयर एंड एक्सपीरियंस कुछ नहीं थोड़ी देर बाद मिलेंगे, थोड़ी देर में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्यों पहले क्या हो रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा हमारा, अभी हम सफर करके पहुंचे तो रेस्ट करने के बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हाँ जी जोड़ी भाई, हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो हेलो, कैसा रहा फिर, कैसा फील कर रहे हैं आप? ठीक रहा सर, बड़ी अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है ऐसे नहीं। कन्हा जी कहाँ गए? कन्हा जी हेलो हेलो कन्हा जी, तो कैसा लगा आपको सफर अभी? बहुत अच्छा मजा आया। तो गाइस अभी तो हम रेस्ट मारेंगे यहाँ पे, तो सुबह आपको ज्वाला जी के दर्शन भी कराएंगे माता जी के, और मंदिर भी जाएंगे, आगे का कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों ब्लॉग अपना, जिंदगी जिंदाबाद, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी। तो गाइज मतलब रात को हम बस जैसे आए थे थोड़ा थक भी गए थे, फिर सो गए हम, फिर अब गाइज सुबह हो गई है तो उठ गए हैं अभी सो के, और नहा धो के रेडी हो गए हैं और मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं दोस्तों। चलो गाइज, चन्नू भाई गुड मॉर्निंग, हेलो भाई खन्ना जी गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय माता दी, हेलो जी गुड मॉर्निंग, जय माता जी, जय माता जी, हेलो भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, जय माता जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइज अब निकलते हैं मंदिर की ओर, और मंदिर में आपको दर्शन भी कराते हैं हल्के से मंदिर के, जिंदगी जिंदाबाद, हर हर महादेव। Oh, no.
सुबह मंदिर की ओर जा रहे थे तो ये दुकानें अभी तो बंद है यार दोस्तों, अभी खुल भी नहीं रही है। तो बाकी अभी मैंने जोत का सामान भी लेना है जिसमें जोत घर ले जानी है। बाकी मैं देखता हूँ दोस्तों यहाँ पे कौन सी मुझे शॉप मिलती है अभी खुली। जोत ले जानी, जोत जोत ले जानी, जोत पर सुनो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बाल्टी बुल्टी वगैरह। चलो नहीं यार भाई, मैं पहले भी आया था दीदी आपकी दुकान में, ज्योति ले गया था मैं भी। हाँ पर आंटी जी पेटीएम हो जाएगा ना अभी बाकी मैं तो इस शॉप पे आया था यहाँ पे, मैं चलो आपको शॉप का थोड़ा व्यू भी दिखा दूंगा बाहर से। तो दीदी की शॉप पे था तो यहाँ पे मैंने जोत का सारा सामान ले लिया, बाल्टी गड़बी एंड जितना भी मतलब माता का अभी जो लगना था दोस्तों जोत के लिए सारा सामान यहाँ पे उपलब्ध है। और दीदी आपका नाम आशा शर्मा, दीदी का नाम आशा शर्मा। चलो इनकी दुकान का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं बाहर से। जिनकी जिंदाबाद, जय माता दी। गाइस तो मैं था 25 नंबर दुकान में, माता दी हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। है चलो जी हाँ, तुम बोलो रश नहीं है, बोलो आज पंडित जी कुछ महोत्सव है कुछ। ओम नारायण नारायण। ज्वाला माता जी के और अभी हमने जोत भी ले ली है तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर की ओर। तो अभी अपना सफ़र कम से कम दोस्तों 250 किलोमीटर है, तो मतलब काफ़ी सफ़र है, काफ़ी लंबा सफ़र है। तो गाइस अभी तो हम निकल ही रहे हैं जस्ट यहाँ से मंदिर से। अभी जिंदगी जिंदाबाद बोल दो भैया एक बार फिर से, जयकारा लगा दो, ज्वाला मैया की जय, हर हर महादेव। गाइस अभी 9 बजे हैं तो अभी हमारे दीपक जीजू राइड कर रहे हैं और जोनू भाई ने अभी मतलब जोत को पकड़ा है दोस्तों। तो अभी तो हम राइड से मतलब स्टार्ट होगी अपनी राइड, हम निकल ही रहे हैं अब घर की ओर। तो गाइज देखते हैं अभी सफर हमारा कितना मतलब अच्छा रहता है, कैसा मतलब रास्ते में क्या क्या होता है दोस्तों हमारे साथ, बाकी हमें पता नहीं है। पूरी झंडा गया यार, तुम देखते नहीं है। झंडा तो अब चलेगा, झंडा तो जय माता दी, झंडा तो हमारा झंडा भी उड़ गया है। अरे नहीं बांधा नहीं था झुन्नू, झंडा झंडा नहीं बांध रहा था, झंडे सही नहीं तो उड़ने का भी पता लगा, उड़ने का भी पता लगा उसको कहाँ गया यार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, हेलो भाई, हेलो गोरिल्ला भाई और स्पेदिया भाई, क्लूली व्लॉग हमारे महाकाल फर्म के बेस्ट मोमेंट। हेलो गाइस तो मेरा तो व्रत है अभी, बाकी अपने सारे भाई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी। गाइस अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मेरा तो व्रत है, मतलब भाई लोग आप ब्रेकफास्ट कर लो, पूजा कर लो अपनी। तो गाइज अभी हम मतलब जस्ट हमीरपुर में रुके हैं और यहाँ पे शर्मा ढाबा है, शर्मा ढाबा गाइज। चलो गाइज थोड़ा शर्मा ढाबा का मैं व्यू दिखा देता हूँ आप गाइज, व्यू देख सकते हैं बाकी आप अभी सुबह सुबह का हमीरपुर का व्यू है दोस्तों ये। और यहाँ पे देखो गाइज शर्मा ढाबा,
बाईपास वाला रोड ही है ना भैया ये, हमीरपुर वाला है ना, हमीरपुर वाला दोस्तों बाईपास वाला रोड बीच में है, शर्मा ढाबा मोड़ पे ही है, देख लो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू है, यहाँ पे बड़ा मस्त है दोस्तों, मस्त अमेजिंग। अभी तो दोस्तों मैं गाड़ी में ही हूँ बैठा हुआ, तो भाई लोग तो अभी शर्मा जी के ढाबे में अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो माता जी को भी अकेले नहीं छोड़ सकते दोस्तों गाड़ी में, तो मैं अभी माता जी के पास ही बैठा हूँ। तो मेरा तो व्रत है अभी, तो अभी सफर भी काफी लंबा है यार दोस्तों, ट्रैफिक भी कल भी बहुत लगा हमारे को रास्ते में, ट्रैफिक भी अभी जाते हुए शायद ट्रैफिक लगेगा, तो मतलब लेट ना हो जाए यार दोस्तों, बस मतलब ये दिक्कत है, बस लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि घर में अभी जल्दी पहुंचना है, जगराता है आज घर में, तो कोशिश तो मेरी मतलब हमारी पूरी रहेगी सबकी कि जल्दी से जल्द पहुंचे, मतलब 8 या 7 के करीब घर पहुंच जाए, पर बड़ा मुश्किल है दोस्तों क्योंकि अगर ट्रैफिक नहीं हुआ और गाड़ी भी सही चलनी चाहिए ओके तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई तो जल्दी पहुंच जाएंगे घर भी। बाकी तो जय माता दी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गाइस अभी जस्ट मतलब पहुंचने वाले हैं हम घर अभी, और बस अभी दोस्तों बस पहुंचने वाले, मतलब पहुंच ही गए हैं, पहुंचना भी क्या है। तो गाइस अभी थोड़ा तो मैं ड्राइव ही करूँगा हल्का सा, और हल्का सा नहीं मतलब वाह जी वाह, बोल शेरावाली मैया की दरबार की जय। कोई भी नहीं हो रहा है गाइस, घर पहुंच गए हम घर अभी भैया को लेके, जय माता दी, हर हर महादेव। फूल दोनों पूजा वाले घर की चल, हाँ हाँ भी मेरे घर में पहुंच चुकी है अभी, तो ये अपने सूरज भाई है, तो भाई आप क्या बने अभी? गणेश बनेंगे अभी, सूरज भाई हमारे गणेश बनेंगे, तो वो अभी बहुत मजा आने वाला है अभी जागरण में। अभी भाई जय माता दी, चलो यार इससे भी थोड़ा भाई समझते हैं। अरे भाई आपका नाम? सूर्यांश। सूर्यांश आप क्या बनेंगे अभी? शिवजी बनेंगे आप? वो यार आप तो महादेव है यार भाई, आपसे आपको क्या बोलना है, हर हर महादेव। तो गाइस बड़ा मजा आने वाला है अभी जगराते में, तो पूरी रात जगराता चलेगा अभी दोस्तों, काफी मतलब काफी भगत आ चुके हैं हम अपने घर में,
भाई बहुत सारे भाई बंधु आए अपने, ऐसी बात नहीं है। जिंदगी जिंदाबाद, हर हर महादेव। जब भी हम जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सबसे पहले जो है किसी भी तरह की पूजा का ये विधान होता है कि सबसे पहले गणपति जी की आराधना की जाती है, उनको बुलाया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। गाइस, ऐसे तो झांकी का प्रोग्राम चला है और अभी जगराता चला है दोस्तों, मतलब झांकी कंटिन्यू है, तो मैं तो थोड़ा सा बिजी था अभी काम में। चलो गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय ज्ञान गुण सागर, हर हर महादेव।
डाकिया डाक लाया, आप देख सकते हैं अभी झांकी बहुत मस्त झांकी निकलने वाली है अभी थोड़ी देर में। हेलो ब्रो, हेलो डाकिया जी, क्या नाम है आपका? पोस्टमैन जी सुखराम, सुखराम भाई, सुखराम भाई, भाई यो मैन, हेलो गाइस, चले गाइस अभी रेडी
हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो हेलो गाइस, हमारे भोलेनाथ जी से मिलिए, भोलेनाथ जी से मिलिए, जय भोले। और गाइस भोलेनाथ की यहाँ पे सेना भी तैयार हो रही है अभी, आप देख सकते हैं, आपको अभी आपको भूत मिलेंगे देखने को भोलेनाथ के। हेलो भाई, चलो आ जाओ लाइन में, सब आ जाओ। अरे हो भोलेनाथ बुलाओ अपने चले, भोलेनाथ त्रिशूल गाइस देखिए भोलेनाथ। अरे हो भाई, जय भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई तुम प्रताप जी बोल रहा हूं ना, आपको रेडी गाइस, आप मिल सकते हैं हमारे भोलेनाथ जी से भी और भोलेनाथ के ही मेरी टोली से भी। ये मामू है, भोलेनाथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर की, जय भोलेनाथ हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हेलो गाइस, मिली हमारे भोलेनाथ जी से, जय भोले, क्या बोलेंगे भोलेनाथ आज, आप क्या बोलेंगे? बम बम बोले, हर हर महादेव। और यहाँ भूत की डोली, महादेव की डोली, भूत की डोली, राजों की डोली, बम बम बोले, हर हर महादेव। हेलो सल्ला, हेलो हेलो बम बम बोले, दिल के राज खोले, करते हैं करते हैं, बोले वो बोले, वो बोले
Thank you.
शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, तू मेरा भोला।